नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी पत्नी का सिर सिर्फ इसलिए मुंडवा दिया क्योंकि वह मकान उसके नाम करने को तैयार नहीं थी। पीड़ित महिला ने पति की ज्यादतियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 43 साल का आरोपी अब तक 5 महिलाओं से शादी भी कर चुका है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुरुष प्रधान हमारे देश में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के तमाम वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों और वादों की जमीनी हकीकत पर नजर दौड़ाई जाए तो आज भी महिलाएं हिंसा और शोषण का शिकार हो रही हैं। एक ऐसा ही मामला अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां मकान पति के नाम ना करने पर महिला को उसके पति ने ना सिर्फ मारा बल्कि उसके बाल भी काट दिए। प्रॉपर्टी डीलर ताहिर खान ने पहली पत्नी की मौत के बाद 2002 में पीड़िता से दूसरी शादी की थी, जिसके नाम मयूर विहार कॉलोनी में एक मकान है। कुछ समय बाद ताहिर ने एक महिला से तीसरी शादी कर ली, लेकिन कुछ महीने बाद उसे तलाक दे दिया। ताहिर यही नहीं रुका और उसने चौथी पत्नी के साथ रहते हुए 16 साल की एक लड़की से 5वीं शादी कर ली, जिसका केस पुलिस थाने में दर्ज है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने ताहिर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। हमारी शादी 2002 में हुई थी और जब से हमारे हस्बैंड हमारे लिए टॉर्चर करते थे और नई नई शादी करके लाते थे हमारे बाद, उन्होंने 2 शादियाँ की, जिसमें एक को उन्होंने तलाक दे दी। दूसरी वाइफ उनकी शीबा खान अभी हैगी, उनके 2 बच्चे हैं। और उसके बाद हमारी बहन की लड़की से उनको निकाह करना था, तो उसको लेके हमारे लिए काफ़ी परेशान करते, घर जाने की धमकी देते, प्रॉपर्टी उनके नाम करने की धमकी देते और तलाक का भी बोलते। लेकिन जब भी अभी उमरा पे गए तो वहाँ से आए तो उनकी अल्टो से हम 2-4 जगह गए, हम और उनकी दूसरी वाइफ शीबा, तो उसको लेके उन्होंने इतना बड़ा मैटर बना लिया कि हमारी गाड़ी लेके क्यों चली गई और लड़ाई करी और बहुत ज़्यादा मारा। और 24 तारीख को 2 बजे रात को घर से निकाल दिया उनकी दूसरी वाइफ शीबा, और उन्होंने हमारे लिए 3 बच्चों के साथ, तो हम 25 तारीख को हमने महिला था वहाँ अशोका गार्डन थाने में कंप्लेन की, महिला थाने में भी की थी कंप्लेन। हाँ, ये अशोका गार्डन थाना अंतर्गत मामला है जिसमें आरोपी ताहिर है, लगभग 45 वर्ष की उम्र है। इनके और इनकी पत्नी के बीच में कुछ समय से विवाद चल रहा था, जिसमें घटना मारपीट की और बाल कटाने की भी सामने आई, जिसके बाद थाने पर रिपोर्ट हुई। थाना से पुलिस जाकर के इसकी देखा किया तो पता चला कि इस तरह की घटना सत्य पाई गई, जिस पर आरोपी ताहिर के विरुद्ध मारपीट की धाराओं के अंतर्गत प्रताड़ित करने वाली धारा भी लगाई गई है और उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, आगे उसकी कार्रवाई जारी है। बहरहाल पत्नी के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करने वाला प्रॉपर्टी डीलर ताहिर खान सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन इस मामले ने हमें एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या महिलाओं को आज के आधुनिक युग में बराबरी का दर्जा हासिल हो पाया है या नहीं। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।